हेलो एंड वेलकम टू आई गेट बिलाई। बस बच्चों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से इन्वायरमेंट बना हुआ है, खासकर में जो बड़ी कंपनीज अपने आप को ब्रांडेड बोलती है, जहाँ पे टीचर बिल्कुल फिक्स ही नहीं है यार। मैं इन 2 सालों के अंदर में देख रहा हूँ, या आप खुद भी आप उस टीचर की हिस्ट्री देखेंगे तो वो हर 2-3 महीने में कंपनीज को चेंज कर रहा है। मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ, ऐसी कंपनी का बिल्कुल आप ऑनलाइन कोर्स मत परचेज करें। यदि आप परचेज करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको पछतावा होगा, क्योंकि आपका कोर्स प्रॉपरली ढंग से कवर नहीं होगा, आधा अधूरा कवर होगा। और गेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे सिस्टमैटिक प्रिपरेशन मांगता है। यदि आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप डेप्थ में जाके नहीं पढ़ रहे हैं, और आप चाहते मैं सक्सेस हो जाऊँ शॉर्ट कोर्स पढ़ के, तो शॉर्ट कोई ऑप्शन नहीं है कि शॉर्ट में आप पढ़ के इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। यदि आपका बेस अच्छा नहीं है तो बच्चों, तो पहला स्टेप बेस अच्छा करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी ये एग्जाम आपका क्लियर हो पाएगा। अदरवाइज आप घर का पैसा सिर्फ बर्बाद करते रहेंगे और कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अपना केयर करिए और अपना दिमाग ओपन करके रखिए, काफी एनालिसिस करिए, उसके बाद ही ऑनलाइन कोर्स परचेज करिए। अदरवाइज आपको अधूरा अधूरा कंटेंट मिलेगा, टीचर फिक्स नहीं मिलेगा और आपका समय खराब हो जाएगा। पैसा क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है, समय चला गया वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप 1 ईयर कहीं पे ऐसी जगह पे दे दिए जहाँ पे आपको सही कंटेंट नहीं मिला, आधा अधूरा कंटेंट मिला, तो फिर आप बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करिए, उसके बाद ही डिसाइड करिए कि ऑनलाइन कोर्स मुझे कहाँ पे लेना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स कोशिश करिए वहाँ पे लीजिए जहाँ पे रिजल्ट अच्छे हों, जहाँ पे टीचर फिक्स हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये जो बड़ी कंपनीज आपको सपना दिखाती हैं, एक्चुअल में आपको सिर्फ वो बोलते हैं कि हम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए फीस कम कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लॉकडाउन में भी देखे होंगे तो उनके फीस कम नहीं थे, ठीक है, 50,000, 60,000, 70,000। हम भिलाई में रहते हैं, हम सबके बारे में बहुत ही बारीकी से जानते हैं, हम किसी के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम बोलते भी नहीं, हमारी आदत भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमको ज़्यादा किसी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें सभी का वीक पॉइंट मालूम है, किसका कितना रिजल्ट आता है वो भी मुझे मालूम है, कौन कितना फर्जी रिजल्ट शो करता है ये भी मुझे मालूम है। मैंने देखा है अदर ब्रांच पे, कंप्यूटर साइंस के अलावा जो ब्रांचेस अभी भिलाई के अंदर में, दूसरे कॉलेजेस के, प्राइवेट कॉलेज के अंदर में, उनका आप रिजल्ट पता कर लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। सीओ छोड़ के किसी भी रिजल्ट नहीं आता है, रियलिटी यही है, लोग सिर्फ रिजल्ट खरीदते और लगाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल सावधान रहिए, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। पहले बोलते हैं हम बिकेंगे नहीं, फिर बिक जाते हैं, और फिर बाद में आपको 1-2 साल के बाद धोखा मिलेगा इन लोगों से और आप शायद मुश्किल में पड़ जाओ। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, हमेशा केयर करिए अपना। बाय बाय।